महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के महाकाल परिसर में स्थित स्वप्नेश्वर महादेव 84 महादेवों में 80वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में कल्पाश्माद नामक एक राजा हुआ। एक बार राजा वन में एक आश्रम में गए। वहां मार्ग में वशिष्ठ मुनि का पुत्र शक्ति तप कर रहा था। राजा ने उसे मार्ग से हटने को कहा। जब वह नहीं हटा तो राजा ने उसे कोड़े से मार दिया। मुनि बालक ने क्रोध करके उसे श्राप दिया कि तुम आज से मनुष्य बक्षी हो जाओगे। राजा ने शक्ति को बहुत अन्य विनय की। जब शक्ति नहीं माना तो उसे राजा खा गया। उसने वशिष्ठ के अन्य पुत्रों को भी खा डाला। इसके बाद राजा को दुस्वप्न आने लगे। राजा के दुस्वप्नों का वर्णन सुनकर तथा राज्य में अमंगल होते देख अमात्यों ने राजा को सांत्वना दी। उन्हें ब्राह्मण पितरों तथा देवताओं को पूजने की सलाह दी। तब राजा ने कहा, मैंने वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति और अन्य कई मनुष्यों का भक्षण किया है, इसलिए मैं आत्मदाह कर लूंगा। तब मंत्री विचार कर उसे वशिष्ठ मुनि के पास ले गए। तब शक्ति की वधु उन्हें आता देखकर घबरा उठी। वशिष्ठ ने उसे समझाया कि राजा कल्माषपाद अपने मंत्रियों सहित आ रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। तब वशिष्ठ ने राजा पर जल का छींटा मारा। उससे राजा का राक्षस भाव जाता रहा। वशिष्ठ समझ गए कि यह विश्वामित्र की करतूत है। वशिष्ठ ने कहा, राजन, महाकाल वन के पास दुस्वप्न नाशक एक लिंग है, वहां जाकर उसकी पूजा करो। राजा ने वहां जाकर इस लिंग की पूजा की। इस लिंग की पूजा से उसका पाप दूर हो गया। वह फिर अयोध्या का राज करने लगा। तब से इस लिंग को स्वप्नेश्वर कहने लगे। जो मनुष्य शिप्रा स्नान कर अष्टमी और चतुर्दशी को इस लिंग का दर्शन करते हैं, उनको दुस्वप्न नहीं आते हैं। स्वप्नेश्वर का नियमित दर्शन करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। राजा कल्माषपाद जो राम जी के पूर्वज थे, उनको अशुभ स्वप्न आते थे, उनने इनका पूजन किया था, तो उनके कष्ट का निवारण हुआ था, जब से इनका नाम स्वप्नेश्वर महादेव जी। और कोई विशेष महत्व यहाँ का? यही 84 महादेव में और स्वयंभू शिवलिंग है। स्कंद पुराण में वर्णन है इनका। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।